गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में पता चल ही गया था, मैं अपने घर आई हूँ। तो यहाँ पे देखो बारिश हो रही है और मतलब बहुत अच्छा सा मौसम हो गया अभी, ठंडा ठंडा। तो अभी देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। वैसे तो मेरे बाल कैसे हो गए बारिश के पानी से। तो अभी आज जैसे मैंने बताया था कि होम टूर का पार्ट टू करूँगी, तो अभी देखते हैं उस हिसाब से आज सब कुछ दिखाऊंगी, काम कहाँ पहुँचा है और क्या है, मतलब जो कुछ भी है सब दिखाऊंगी। तो अभी थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा सा वेदर हो गया और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं। Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking that. तो अभी बारिश हो गई है बंद, और हमने आज घर भी चले जाना था पर पापा ने जाने नहीं दिया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो कल हमें छोड़ के आएंगे। तो कल अंश का बर्थडे भी है, तो हम रात को 12 बजे यहीं पे केक काट लेंगे और बाकी कल घर जाके सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि अब मैंने वैसे भी आ ही जाना है यहाँ पे परमानेंट, तो थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया। तो जैसे ही मेरा रूम कंप्लीट होगा मैं आ जाऊँगी, और वाईफाई वगैरह भी लग जाएगा क्योंकि अभी वाईफाई यहाँ पर नहीं लगाया है। इसलिए मेरे को कल ही व्लॉग अपलोड करना था पर मैंने आज किया, क्योंकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ बाहर का व्यू। और वैसे धूप निकल गई पहले, तो बहुत अच्छा मौसम था, पर चलो फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ, वो जो गेट दिख रहा है सामने, पता नहीं यहाँ से इतना विजिबल तो नहीं है, बट जब मैं वहाँ जाऊँगी तब दिखाऊँगी। वो वहाँ पे जो गेट है वो हमारा मेन गेट है घर से एंटर करने का, फिर वहाँ से लेके यहाँ पे जब हम आते हैं तो मतलब यहाँ से हम गाड़ी पार्क करते हैं। और वो देखो वो क्या करिए, आप क्या कर रहे हो शनाया? तो यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे से एप्पल लगे हैं, और हमने बहुत सारे तोड़ भी लिए हैं वैसे तो, इसलिए अब सामने सामने वाले तो तोड़ लिए हैं। ये देखो, और ये जो हाँ ये जो अंदर अंदर वाली साइड लगे हैं वो रह गए हैं। ये दिखाओ, ये दो निकले हैं बाहर। और ये बहुत मीठे भी हैं, खट्टे मीठे से हैं, मैंने खाया था सुबह एक ना। हाँ तो ऑरेंज भी दिखाओ, यहाँ पे एप्पल है, वहाँ पे भी एप्पल का ही है, ऑरेंज का भी है, एक ऑरेंज का भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। एक मैंने वो दिखाया था एप्पल का, एक ये एप्पल का है, ये मेरे को पता नहीं ये किस चीज़ का है, और ये भी एप्पल का है, और उसके बाद ये भी नहीं मेरे को पता किस चीज़ का है, और ये ऑरेंज, छोटे छोटे ऑरेंज है। ये क्या करना है तोड़ के? तो इसको चाहिए तो तोड़ लेते हैं। नींबू तो फिर यहाँ से मतलब यहाँ से हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, बाकी यहाँ तक की ये भी है बट यहाँ पे कुछ अभी है नहीं, बाद में सोचेंगे। तो अभी यहाँ तक ही है, और बाकी ये छोटे छोटे जो भी हैं। चलो ये देखो, चलते हैं बाहर फिर देखते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने दिखाया था यहाँ पे पार्क होती है, फिर यहाँ पे गेट लगेगा अभी जब काम कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक गेट लगेगा, वो अंकल बैठे हैं। फिर यहाँ से हम जब जाते हैं तो ये है हमारा लॉन आ गया, मतलब यहाँ पे भी कुछ सोचेंगे हम, अभी कुछ कंप्लीट नहीं है इसलिए यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। वैसे तो हम स्विमिंग पूल का सोच रहे हैं पर देखते हैं वो किस साइड बनाना है, डिसाइडेड नहीं है अभी। फिर जो यहाँ से व्यू आता है वो ऐसा आता है, मतलब पूरा तो नहीं दिखेगा यहाँ से पर जब मैं बाहर जाऊँगी फिर मैं वहाँ से दिखाऊँगी। और यहाँ से भी जो दिखता है बाहर का व्यू ऐसा होता है, तो
तो अभी चलते हैं ऊपर, फिर अंदर जाकर दिखाती हूँ मैं। फिर जब हम यहाँ से ऊपर आए तो यहाँ पे जब मौसम बहुत अच्छा होता ना तो हम यहाँ पे चेयर्स डालकर बैठते हैं, मतलब मैं भी बैठूँगी जब आ जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मम्मा पापा बैठते हैं, मैं यहाँ से भी दिखा सकती थी, मैं क्यों गई वहाँ, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे वो चेयर डाल के बैठ, मतलब चेयर रख के बैठते हैं। फिर यहाँ से हमारा जो है वो अंदर वाला एरिया स्टार्ट होता है, यहाँ पे ऐसा वो स्टोर रूम है। तो अभी चल के अंदर, उसको लेके आना अंशु, उसको अकेले मत छोड़ना। फिर ये हमारी नीचे वाले पोर्शन की लॉबी है, जो कि लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी तो थोड़ी इनकम्प्लीट थी, बट अभी यहाँ से थोड़ी सी बन गई है। तो ये सारी लॉबी है, उसके बाद ये पूजा रूम बनेगा, ये बन गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे उसके बाद ये शायद ड्राइंग रूम है, मैं कुछ श्योरिटी तो नहीं है पर मतलब ऐसा ही है जो भी है। अभी जब बनेगा फिर पता लगेगा। तो यहाँ से ये व्यू देखने के लिए है ये एरिया, उसके बाद ये भी शायद किचन है, आई डोंट नो, मतलब श्योर नहीं हूँ। और रूम में दिखाएंगे तो अंदर अंदर तो ये है, आई गेस ये वॉशरूम है, और ये मतलब ये ऐसे ही होगा फिर, ड्राइंग रूम ये होगा, हाँ तभी इसके साथ वॉशरूम है। और उसके बाद ये रूम है निमिष का, हाँ मेरे को लास्ट टाइम भी यही कंफ्यूजन हुई थी, ये रूम निमिष का है जो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, ये उसका वॉशरूम, ये तो मैंने दिखाया था अपने लास्ट वाले व्लॉग में। तो यहाँ से भी जो है वो बाहर का पूरा व्यू दिखता है। फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं बाहर, और ये सामने वाला रूम है शायद मम्मा पापा का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि ये उसका रूम है ये उसका, सब घर के ही रूम है तो कोई भी कहीं भी रह सकता है। इनको BTS ही पड़ी रहती है। और ये यहाँ पे वॉशरूम, तो अभी मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम भी दिखाया था। तो बस ये मतलब रूम है, फिर उसके बाद हम ऊपर वाले एरिया में चलते हैं। और यहाँ ये रूम जिसका भी है उसको कितने पैसे हैं, मतलब जो भी यहाँ रहता है सारा बाहर का दिखता है सुंदर सुंदर। तो अभी चलते हैं बाहर, मतलब चलते हैं ऊपर। तो वो नीचे का पोर्शन मैंने दिखा दिया था, तो अभी यहाँ से ऊपर है। तो मैंने उस टाइम आगे का शूट नहीं कर पाई तो मैं अभी कर रही हूँ, वो मैंने दिन को बनाया था बट अब रात को 10 बज रहे हैं तो मैं वो अभी बना रही हूँ। तो अभी जब हम यहाँ से ऊपर आते हैं नीचे वाली लॉबी से, तो सबसे पहले ये वाला रूम आता है। अभी गंद पड़ा है यहाँ पे क्योंकि रात को सब यहीं पे सोए थे और पूरा दिन भी यहीं पे रहे, तो इसलिए काफ़ी गंद पड़ा अभी। तो और ये वॉशरूम है, और ये भी बंद है अभी। तो ये तो बाकी ये रूम हो गया। फिर उसके बाद जब हम यहाँ से जाते हैं बाहर, तो ये टेरेस का रास्ता है। अभी टेरेस पे भी नहीं जाऊँगी क्योंकि रात हो गई है। तो जब हम यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये आ जाती है अंदर वाली लॉबी, ये वो किचन। तो ये था लास्ट पोर्शन जो दिखा दिया, गंदा सा घर। तो अभी सबको पता है काम चल रहा है, गंदी पड़ा होगा। अपना रूम, मैंने अपना रूम तो दिखाया नहीं, पर वो यहाँ से दिखा देती हूँ। मेरे रूम का रास्ता बाहर से भी है और यहाँ से भी है। तो ये मेरा रूम है, यहाँ पे तो भी वैसा ही जैसा मैं पिछली बार छोड़ के गई थी वैसा ही है। तो अभी बहुत गंद पड़ा है यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है। तो मेरे रूम की ना एक खासियत है कि इसका रास्ता जो मैंने छत से दिखाया ना वहाँ से, तो यहाँ से भी है इसकी एंट्री। और मेरा जो यहाँ से रूम है, मतलब जहाँ भी मम्मा पापा सोते हैं, तो यहाँ से भी है इसकी एंट्री इस रूम की डायरेक्ट। तो यही था आज का व्लॉग, तो करते हैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा तो भी लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी। Bye bye, thanks for watching.